हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप देखिए सुबह सुबह मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज ब्रेड और आलू से बच्चों के लिए टेस्टी नाश्ता। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो यहाँ पे आलू मैंने 3 लिया है मीडियम साइज का, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर लेती हूँ। जैसे मैं सब्जियों के लिए कट करती हूँ सेम उसी तरीके से कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने 4 कली लहसुन लिया है, ये देखिए, और 1 टमाटर लिया है। तो इसको छोटा छोटा कट कर लेते हैं। और 2 मिर्च लिया है और 1 टमाटर और इतना हरा धनिया। तो ये देखिए टमाटर मैंने कट कर लिया है। टमाटर का मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी पीस कर, सिर्फ मिर्ची और धनिया और लहसुन आलू इन सभी को मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर नहीं है पर जीरा है, उसको पीस कर पाउडर बनाएंगे। थोड़ा से काला नमक डाल देते हैं। अब इसको चलते हैं पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए पेस्ट बन के रेडी। बेसन ले लेते हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच और ले लेती हूँ, मतलब कि 2 चम्मच, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाने वाली हूँ। 2 चम्मच हमने बेसन ऐड किया है। और यहाँ पे ये जो मैंने पेस्ट बनाया है, ये आलू लहसुन मिर्ची धनिया का पेस्ट है, इसको भी इसी में डाल लिया। काला नमक भी डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा से स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें जो हरा धनिया टमाटर है इसको इन सभी को डाल के अच्छे से मैं इसको मिला लूंगी। मिलाने के बाद इसको रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए फूलने के लिए, उसके बाद बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा से हम तेल डालेंगे 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, छोटा चम्मच है, अगर इस चम्मच से डाल रहे हैं तो 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ब्रेड, इधर तेल और कढ़ाई गर्म हो रहा, तो इसी तरह का पीस मैं कट कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने सबको कट कर लिया है। अब इसमें करते हैं डिप, और देखिए खाइए टेस्टी टेस्टी नाश्ता। ये देखिए 2 आया है, मैंने 2 ही डाला है, क्योंकि 2 ही आ पाया है। अब इसको हम खोल कर चेक कर लेते हैं, तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है फ्रेंड। तो इसको बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छे से खाएंगे। और थोड़ा सा मैं रिफाइन इसमें और डाल देते हैं साइड साइड, क्योंकि उस तरफ भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन सेक जाए। तो थोड़ा सा इसको और ढक देते हैं, 0 गैस रहेगा, क्योंकि गैस को हमें 0 ही करना है। ये प्लेट इसमें लेते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन गोल्डन बना है। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं ऐसे ही करके। और उसके पहले मुझे 1 चम्मच तेल फिर से लेना है,
ताकि चिपके ना। इसको ढक देते हैं पकने के लिए फिर से। तो ये अलग भी गोल्डन हो गया है, मैं पलट देती हूँ। देखिए दोनों तरफ गोल्डन हो चुका है, पर अभी इस तरफ थोड़ा कम है, उसको और पकाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे सभी ब्रेड पकौड़े बन गए हैं, आप सब देख सकते हो क्रिस्पी 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 बढ़ गया। आलू और ब्रेड से नाश्ता बच्चों के लिए बन के रेडी हो गया है। तो आप सब भी बनाइए, अपने बच्चों को खुश करिए, खिलाइए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। बाय।